तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें नेक्स्ट मंथ मिलेगा, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। गाइस इम्पोर्टेंट माल है ना, नेपाल से आ रहा है, इसीलिए कार्तिक के घर से मैंने छोटा वाला संतरा टपा लिया। गाइस हमारा संस्कारी बुब्बू, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन से पहाड़ जा रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं दोबारा मोमो बनाने। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। एंड गाइज आज है 12th of November एंड आज है कार्तिक का बर्थडे, तो सब जोर से बोल दो, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 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 बर्थडे कार्तिक जी। मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी के डॉगियां भी विश कर रहे हैं आपको। तो फटाफट रेडी होती हूँ एंड रेडी होने के बाद आज मैं जा रही हूँ कार्तिक के घर, क्योंकि कार्तिक अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगा। सो अभी थोड़ी देर में वो लेने आ रहा है, तो मैं फटाफट आपको रेडी होके मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ कार्तिक के घर में, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन होने वाला है, छोटा सा फैमिली गैदरिंग। तो अभी उसी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे हमारे साथ आ चुके हैं बर्थडे बॉय। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। और तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें नेक्स्ट मंथ मिलेगा, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया, मतलब मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। गाइस इम्पोर्टेंट माल है ना, नेपाल से आ रहा है इसीलिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखो गुस्सा मत करना। अरे मैं कुछ थोड़ी बोल रहा, पता है इसको ना कल सबने गिफ्ट दिया, मैंने नहीं दिया, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना। यार मुझे बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था यार कितना, मतलब पहला हक मेरा ही बनता है कि मैं गिफ्ट दूं, बट मैंने नहीं दिया। जल्दी थोड़ी है यार, कोई बात नहीं, कुछ थोड़ी। पर एक तो यार गाइज मेरे नाक में दर्द हो रहा है, तो बार बार ऐसा ऐसा जा रहा है, इसको इग्नोर करना। तो गाइज मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा लेट हो रहा है गिफ्ट, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अभी आने कोई आ नहीं रहा, तो नहीं आ पा रहा। बट नेक्स्ट मंथ यू विल गेट। कोई बात नहीं यार, मैंने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए। नहीं पर मुझे तो देना ही है ना। ठीक है, तो फटाफट निकलते हैं, चलो चलते हैं। तो गाइज अभी मैंने जैकेट भी पहन लिया है क्योंकि ठंडा है। तो यहाँ पे ना मम्मी देखो अपने गार्डन से साग तोड़ रही है कार्तिक की मम्मी के लिए, और हमारे घर में इतने साग हो रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू माय मॉम। ये देखो इतना हरा भरा साग हो रहा है, यहाँ पे पूरा हल्दी अदरक है, सॉरी अदरक है, हल्दी है, और साइड साइड में साग लगा रखा है यहाँ पे भी, सब मम्मी ने किया है। नाइस, आई एम प्राउड ऑफ हर। चलो ढेर पैर सब साग तोड़ दो मेरे होने वाले ससुर जी के लिए, सास जी के लिए, पूरा साग। ठीक है, पूरा खाली हो जाना चाहिए ये एरिया। तो गाइस मैं निकल रही थी और ना मैं चप्पल में जा रही थी, मेरी मम्मी क्या बोल रही, वो भी बोल रही ससुराल चप्पल में जा रही, मैं भूल गई थी, तो मैंने अपना हील पहन लिया है। और हमारे घर के लिए नींबू और साग तोड़ लिया गया है, तो अभी निकल रहे हैं और मैं पूरा पैक हो गई हूँ क्योंकि बहुत ठंडा है। डिग्गी खाली है, डिग्गी में डाल लो इसे, नहीं सोख था आज में बड़े लेके जाओ। चलो डिग्गी खोलो। सुनो ना, घर में टमाटर वमाटर नहीं लगते क्या? सभी लेकर चले जाओ, मिर्ची भी था लेके ही नहीं गया। और गाइज मैं ये बोलना चाहती थी कि कल रात को देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ था। आप जितने भी यूथ हैं, जो जेंजीज है, लाइक जेंजी अभी नया वर्ड निकला है फॉर 18 से लेके 20 साल के बच्चों के लिए, हाँ चलो टीनेजर जो भी है, कल बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है देहरादून में ONGC साइड। मतलब देख के ना ऐसे रूह कांप जाती है ना, वैसे वाले एक्सीडेंट हुए। तो आप लोग अपना मतलब ख्याल रखो, रात रात को मत घूमो, अगर घूमते भी हो तो बी सेफ, मतलब इतना रेस ड्राइविंग मत करो। मैंने सुना उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से रहे, अच्छे से इंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, तो उसको गवाए ना, और बस बी हेल्दी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? खत्म करो अपनी स्पीच। कितनी स्पीच दोगे? क्या स्पीच भाई, तुमने देखा नहीं कैसा हो रखा था? कोई जल्दीबाजी नहीं है, 10 मिनट लेट पहुंच जाओ, कोई हाँ वही भले हाँ लेट पहुंच जाओ, वाले चार गाली दे देंगे, कोई बात नहीं, पर लेट पहुंच जाओ घर। हाँ। जल्दीबाजी के चक्कर में मत फंसो। तो और अभी हम भी जा रहे हैं, हमें भी लेट हो रहा है, पर हम भी आराम आराम से जाएंगे ना भाई। मैंने तो इसको बोल दिया है कि जितना स्लो चला सकता है उतना स्लो चलाए, अगर ये मैंने इसको कसम भी दिया है कि बिल्कुल तेज नहीं चलाना, भले तू लेट हो जाए डांट खा ले पर कोई नहीं, बट आराम से। और मैंने अपने भाई को भी समझाया, क्योंकि वो भी गाड़ी स्पीड में ही चलाता है, उसको भी मैंने कसम दी है। सबको तुम समझा रहे हो, अपने आप को नहीं समझा रहे? मैं गाड़ी का मेरी गाड़ी देखी मच्छर वाली स्पीड में चलाती हूँ मैं बहुत स्लो चलाती हूँ। तो निकलते हैं अब।
गाइस हम ना मोमो का सामान लेने आए हैं क्योंकि आज हम होममेड मोमो बनाने वाले हैं। गाइस हमने सोचा था हम मोमो बनाएंगे, बट पता नहीं कैसा जगह है, एक सोयाबीन का वो धूलो क्या बोलते हैं उसको, चंक्स, ग्राइंडेड चंक्स ही नहीं मिल रहे सोयाबीन के, यहाँ पूरा ढूंढ लिया। अभी हम सुविधा रखे, अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन है, मिला तो मिला वरना तो फिर ऊपर से लहसुन प्याज नहीं खा सकते, बिना लहसुन प्याज वाला मोमो बन रहा है। तो गाइज अभी मैं सुविधा आई थी और मुझे यहाँ पे मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, दीदी का चैनल जहाँ से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे भी हमें सोया चंक्स नहीं मिले, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मोटे मोटे सोयाबीन होते ना उसी को ग्रेन करके बनाएंगे। यहाँ पे भाई कहीं पे भी नहीं है भाई, मैं तो पहली बार मैंने ऐसा सुना, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा हमें। गाइज हम कार्तिक के घर पहुँच गए और कार्तिक के घर से मैंने छोटा वाला संतरा टपा लिया, वहाँ का खुशबू आ रहा है यार। तुम्हारे घर में संतरे लगे हैं तुमने बताया नहीं, मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर में नींबू भी लगे हैं, तभी हमारे घर से नींबू दिखाओ, मेरे घर के नींबू दिखाओ चलो। उस वक्त ही दिखा दिया था, चलो एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये देखो कार्तिक के घर के नींबू। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो गाइज आज आंटी ने मंदिर चेंज कर दिया, कितना तो सुंदर लग रहा है, पिक्चर वाला मंदिर नहीं लग रहा है, मूवी में नहीं होता ऐसा। अच्छा ये पूरा नया है, वाव सुंदर है। तो गाइज ये असली में संतरा था, खट्टा होगा बहुत, बहुत भयंकर खट्टा है। और गाइज कार्तिक को मिले हैं ढेर सारे गिफ्ट, और ये देखो ये चोर को, इसे आते ही सब चीज खोल के बैठ गई। तो गाइज मोमो बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, कार्तिक जी आटा गुनने वाले हैं, मम्मी गुनेगी, तुम गुनोगे अगर तुमने नहीं गुना ना फिर देखना, तुम गुनोगे गाइस। मैं ना दम नहीं लगा सकती, ये दिक्कत है, वरना मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने लौकी काट लिया है। देखो गाइस हमारा संस्कारी बुब्बू आटा गुन रहा है, हाथ तो धोया ना, गुड। और मैं कद्दूकस कर रही हूँ, मैं पहले बहुत करता था, ठीक है, मैंने आटा बहुत, तो क्यों छोड़ा फिर करना। अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझे नहीं आता है। तुम ही करोगे, मोमो बनाओगे अभी, तुम देखना तुम्हें सब आता है। मैं नहीं सीखूंगा मोमो बनाना भाई। तो गाइस कार्तिक बोल रहा था मुझे आटा गूंदना नहीं आता, देखो कितना परफेक्ट आटा गूंद रखा है, झूठ बोल रहा था ये। आंटी बोल रही थी ये पहले काम करता था अब नहीं करता, रोज करना पड़ेगा, गुड। मैंने बोला था कि हमें सोया चंक्स नहीं मिला है, बट आंटी ने होममेड ही बना दिया, नहीं बस हो गया, ये देखो बन गया। तो गाइज जैसे कल बर्थडे बॉय काम कर रहा था, आज भी बर्थडे बॉय काम कर रहा है। अपने बर्थडे में खुद काम कर रहा है, मैं सिखा रही हूँ उसको, गुड। कितनी तेज है, ये खुद कर रहा है, लौकी से कितना पानी निकलता है। तो गाइज इसको ना सब कुछ आता है, देखो कितनी बारीकी भी बकरी बारीकी से धनिया काट रहा है, और बोला मुझे कुछ नहीं आता, इल्लू बना रहे हैं काम चोर, हो गया रुको रुको, घर पता चल गया इसको कि मुझे सब आता है, चलो हो गया। गाइज जैसे घर में पीती हूँ, मैं यहाँ पे भी जिंजर लेमन हनी टी पी रही हूँ। यस, वाह। तो गाइज आंटी और छोटी आंटी दो आंटी है और प्रियांशी, हम सब ने मिल के मोमो बना लिया है, देखो बढ़िया से, अब पता नहीं खा के कैसा होगा वो तो वक्त ही बताएगा। देखो गाइस संस्कारी बच्चा बर्तन धो रहा है कैसा लग रहा है आज आपको काम करके, आटा गून के बर्तन धो के, बर्थडे मेरा काम ही मुझसे करा रहे, कराया थोड़ी तुम खुद कर रहे, अरे ये बात कब आई, तुम तो खुद ही कर रहे हो, खुश नहीं हो तुम, आई एम हैप्पी, गुड। तो गाइस प्रियांशी और मैं जा रहे हैं केक लेने, और मुझे इतना पता नहीं है तो प्रियांशी मुझे लेके जा रही है इधर पे। ये यार यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडा है, हमारे वहाँ तो इतना भी ठंडा नहीं है, और यहाँ पे ना बारिश होती रहती है ना, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन से पहाड़ पे आ गई। तो गाइस अभी हम केक लेने आए हैं पिंक में, क्योंकि प्रियांशी बोल रही थी कि यहाँ का केक बहुत अच्छा है, तो अभी हम पिंक में आए, थोड़ा सा पिंक का कलर फेड हो गया है क्या लोगों का, वाह। कौन सा ले, सब लोग क्या ज्यादा चॉकलेट खाते हैं या क्या, हाँ ना ये अच्छा लग रहा है। तो ये व्हाइट वाला हमने फाइनल किया है, फाइनली केक भी ले लिया है, और अभी हम जा रहे हैं दोबारा मोमो बनाना है, क्योंकि वो जो
मोमो हमने बनाया उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गया, जबकि मैंने कार्तिक को बोला भी था कि वो कम हो जाएगा बट उसने माना नहीं। तो अभी हम फिर जा रहे हैं मोमो बनाने। तो गाइज अभी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि काफी लेट हो गया था और आगे की ब्लॉगिंग कार्तिक करेगा। मतलब बहुत ज्यादा ही लेट हो गया था, 9 बजने वाला है और वहाँ पे काफी टाइम लग जाता, मतलब वहाँ पे गेस्ट वगैरह आए नहीं थे अभी और घर से फोन भी आ रहा था मेरा, तो मुझे जाना पड़ गया। तो बाकी की जो ब्लॉगिंग होगी वो कार्तिक करेगा, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे का काम तुम्हारा है, खाना खा के जाना चाहिए था मेरे को, बट लेट हो रहा था ना। एक्चुअली मेरी मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है ना, अब मिलेगा कार्तिक आपको डायरेक्ट। फाइनली मैं घर पहुंच गई, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू, बाय। तो गाइस हमारा केक जो अलीशा मेरे लिए लेके आई थी, वो केक देख सकते हो, ये रहा, इसकी अनबॉक्सिंग कर दी और अब हम करते हैं केक कटिंग सेरेमनी। तो केक देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी चीज ये कैंडल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आओ चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस केक कटिंग भी हो चुकी है और आप देख सकते हैं मुंह पे क्या प्रियांशी और ये मेरे बहन लोगों ने क्या कर दिया मेरे मुंह का हाल ना, केक लगा लगा के। तो फाइनली एवरीथिंग इज ओवर एंड बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया अलीशा ने, मोमोज इतने टेस्टी बनाए थे। तो उसका रिव्यू मैं आपको प्रियांशी से दिलाता हूँ। प्रियांशी बहुत ज्यादा मस्त, और मेरे को सुनने में आया कि सारे मोमोज खत्म हो गए और सिर्फ एक जो नीचे का बर्तन बचा होता है वो होंगे, उसके अंदर 8-9-10 होंगे। तो गाइस फाइनली मैंने चेंज भी कर लिया है एंड मेरी मम्मी का थोड़ा सा तबीयत खराब है, उनको ना गैस हो रहा है तो इसीलिए मैं जल्दी आ गई। उनका कल भी तबीयत खराब था बट कल मैं काफी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी आऊंगी एंड इसी चक्कर में मैं वहां पे रुक नहीं पाई, सेलिब्रेट नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, मुझे पता है कार्तिक भी मतलब अपसेट हो रहा था कि क्यों जा रही हो बोल के, और आंटी अंकल लोग ने भी बोला कि मत जाओ अभी, बट क्या करें, मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है और घर में मतलब अमृत खाली है, इसलिए मैं आ गई थी। एंड कोई नहीं, सेलिब्रेट तो मैंने कल भी किया था और आज फैमिली टाइम है तो कार्तिक की फैमिली वगैरह गेस्ट वगैरह भी आ चुके थे। बट कई आप कमेंट करके बोल रहे हो कि अलीशा दीदी को आपने भेज दिया, ये ऐसा नहीं है, मैं खुद आई हूँ क्योंकि आपको पता है कि घर में मम्मी खाली है, तो फिर मम्मी का तबीयत खराब हो गया तो इसलिए मुझे आना पड़ गया। प्लीज आप ऐसा कुछ भी गलत कमेंट मत करना। तो गाइज बाकी कार्तिक ने मुझे एक क्लिप भेजा है उसका अनबॉक्सिंग का, तो मैं उसको इसी के आगे ऐड कर दूंगी। सो गाइज आप देख लेना एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप कार्तिक की गिफ्ट अनबॉक्सिंग का एंजॉय करिए, बाय बाय। तो गाइज ये देख मेरे गिफ्ट जो मुझे आज मिले, ये मेरे सीनियर बॉस मनीष सर और आशीष ने दिए हैं, ये मेरी अलीशा की जो फ्रेंड है रुचि उसने और उसके हस्बैंड ने दिए, बाकी ये पीयूष और शुभम ने दिए। पहले बनते ही वाले गिफ्ट, गिफ्ट तो इतना महंगा पैक करा हुआ खुली नहीं था। इनका परफ्यूम डेनवर, ओ वाओ, इसकी फ्रेग्रेंस बाहर तक आ रही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑफिस के लिए डायरी दे दी क्या भाई? हाँ डायरी। बड़ा है मिस्टर डी आया भाई का फायदा उठाया है भाई इन्होंने। अब खुलते ही वाला गिफ्ट थोड़ा भारी लग रहा है, ये ना एक तरफ गिरा रहा है यार। इसमें तो शर्ट है, ये वेस्ट साइड से है पर मेरे को पता है शर्ट है, खोल के देख लेते। ऑफिस पहनने के लिए व्हाइट शर्ट ही दे दिया कि चलो ठीक है ऑफिस पहन के तो आएगा, थैंक यू सो मच। तो भाई इसमें लिखा है ओपन इट, तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे कार्तिक स्टे ब्लेस्ड एमडी एंड आशीष मनीष सर एंड आशीष। मुझे परफ्यूम लग रहा है, कुछ भयंकर परफ्यूम है, यस इट्स परफ्यूम। इतर
क्यूट है ना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट एंड आई होप आपको मेरी पार्टी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे पे कोई जवाब ही नहीं है यार बोलने का, मुझे इतना क्यूट क्यूट गिफ्ट मिला है। आई एम वेरी मतलब क्या बोलते हैं इमोशनल हो गए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस।